नमस्ते नमस्कार, जय राम जय जय राम, सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग। मिस्टर गोविंदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। और जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन ही विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जो भी हम नई से नई वीडियो बनाएं, आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इसमें तारीख हो गई 5 जुलाई, 5 जुलाई, सातवां महीना सन 2024, 5 जुलाई सन 2024 इसमें हो गई है। और बरसात का मौसम दोस्तों चल रहा है, और आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहें, हम आप लोगों को बताएंगे 6 जुलाई को हमारा प्रोग्राम कहां और किस ज़िले में लगा हुआ है। और उसके पहले आप लोगों को प्रोग्राम की जानकारी देने से पहले थोड़ा का यहां का थोड़ा सा आपको लोगों को लोकेशन दिखाई देते हैं। दोस्तों हम यहां पर घर पर आए हुए हैं, छत पे आए हुए हैं दोस्तों, और घर के सामने ही कोटेदार जी का घर है। और जितने जिनको जिनको यानी जिनको लोगों को सभी लोगों को राशन मिलता है, और सभी लोगों की KYC हो रही है, यानी जिनका जिनका राशन मिलता है, जितने राशन धारक हैं जिनका जिनका यानी राशन मिलता है, सभी लोगों की KYC हो रही। बिना KYC के राशन नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई है कोटेदार के दरवाजे और सामने। और दोस्तों KYC कराना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग KYC नहीं कराते हैं, जिनका जिनका राशन मिल रहा था, और जो KYC नहीं कराएंगे उन्हें राशन नहीं मिलेगा, उनका राशन कार्ड ही कट जाएगा। और जो KYC होगा दोस्तों, जहां से आप राशन उठाते हैं यानी कोटेदार जी के घर पे जाइएगा, सिर्फ वहीं होगा KYC, और कहीं नहीं होगा। जिनका माने जिनका जिनका जिन्हों राशन सभी का मिलता है, कोटेदार के दरवाजे जाइएगा आप लोग, और KYC होता KYC करवा लीजिएगा तो उन्हीं का राशन मिलेगा। नहीं, जो KYC नहीं कराएंगे उन्हें राशन नहीं मिलेगा। और जो भी हमारे यार दोस्त, कुछ लोग प्रदेश में हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग कानपुर कलकत्ता में हैं, कानपुर में हैं, इटावा में हैं, बॉम्बे में हैं, अगर हमारा वीडियो उन तक अटे तो आप लोग KYC ज़रूर करा लें, या तो अपने घर वालों को फ़ोन करके, अगर आप लोग राशन का लाभ ले रहे हैं और वीडियो अब तक पहुंच रही है हमारी और आप लोग सुन रहे हैं, तो KYC कराना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग आइएगा। और ये KYC कोटेदार जी के यहाँ होगा और कहीं होगा नहीं, और KYC कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं राशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये थी राशन से संबंधित जानकारी, और आप लोग हमारी बात को गौर कीजिएगा, जो हमने बताया उस पर अमल कीजिएगा। अब आप लोगों को हम ले चलते हैं प्रोग्राम की जानकारी की ओर। 6 जुलाई सातवां महीना सन 2024, 6 जुलाई सन 2024 को पंपापुर सुपर हिंद नौटंकी का प्रोग्राम कहाँ और किस ज़िले में लगा हुआ है। पंपापुर नौटंकी का प्रोग्राम 6 जुलाई को रायबरेली ज़िले में लगा हुआ है। आप लोग पता यानी गांव का नाम नोट कीजिएगा, गांव का नाम यानी पता है, आप लोग पता नोट कीजिएगा, गांव का नाम यानी पता है बड़ी जरियारी, बड़ी जरियारी पोस्ट मेजरगंज थाना
भदोखर जिला रायबरेली। आप लोग फिर गौर कीजिएगा, गांव का नाम ही पता है, बड़ी जरियारी पोस्ट मेजरगंज थाना भदोखर जिला रायबरेली। तो दोस्तों जो बड़ी ये जरियारी पड़ेगा, जो जगतपुर के कुछ लोग हैं जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप लोग जब जगतपुर से जो लोग आएंगे, जगतपुर से आपको सलवन रोड जाना पड़ेगा, जगतपुर से सलवन रोड और जो शारदा नहर है उसको थोड़ा सा आप पार करेंगे तो पक्की रोड लगी हुई है शंकरगंज कॉलेज के लिए। नहर आप लोग पार करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे 4-5 कदम तो शंकरगंज कॉलेज के लिए जो पक्की रोड दोस्तों लगी हुई है उसको आप सीधा पकड़ कर जाएंगे तो हौतहा नेवढ़िया पड़ेगा, उसको थोड़ा सा पकड़ के जाएंगे तो आपको वो सीधा पक्की रोड हटा देगी वहाँ बड़ी जरियारी। तो वहीं पर पंपापुर सुपर हिंद नौटंकी प्रोग्राम लगा हुआ है, वहाँ पर बड़ी जरियारी भी है, जमोड़ी भी है, और जो लोग आना चाहते हैं यही रास्ता है। और जो कुछ लोग आना चाहते हैं रावरी साइड से, जो बेहटापुर पड़ता है उधर से आएंगे आप लोग तो मेजरगंज चौराहा है, मेजरगंज चौराहा थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पक्की रोड जरियारी को लगी हुई है, वहाँ से भी आ सकते हैं। और जमालपुर से कुछ लोग जो आना चाहे जमालपुर साइड से भाव कुचरिया पुल पड़ेगा, वहाँ से फिर सीधा जरियारी को लगी हुई है, आप लोग सभी लोग आइएगा। और दोस्तों जिनके यहाँ पंपापुर सुपर हिंद नौटंकी का प्रोग्राम 6 जुलाई को लगा हुआ है, घर मालिक जी का नाम है मान्य हमारे सबश्री परमाननीय श्री सम्मानित राम बकस सरोज, इन्हीं के यहाँ पंपापुर सुपर हिंद नौटंकी प्रोग्राम 6 जुलाई को लगा हुआ है, सभी लोग आइएगा, सबका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन है, धन्यवाद।